तो अभी आ गया हूँ पापा के पास में मैं। पापा कैसे हो? मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है रिगार्डिंग दिस। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो गाइज YPM व्लॉग्स बैक एंड गाइज वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। और अभी हो चुका है शाम का टाइम 5 और आज मैं उठ रहा हूँ बहुत ज़्यादा वाला लेट। आज मैं उठा हूँ 5 बजे ही सो करके और सुबह लगभग मैं सोया था 7-8 बजे बिकॉज मेरे को थोड़े बहुत काम थे और इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत लेट भी हो गया था इस चक्कर में। एंड मेरा मतलब सो के उठूँगा, स्विमिंग करूँगा आराम से, बट नहीं कर पाया। एंड यार स्विमिंग पूल में वो शायद आता है दुबई का एट्रेस का व्यू का इन्फिनिटी पूल, मतलब वहाँ से जो आता है ना बुर्ज खलीफा का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो एटलीस्ट जब मैं जाऊँगा ना अभी दुबई तो वहाँ पर मैं रुकूँगा एट्रेस का व्यू के अंदर, क्योंकि वहाँ से लाइक बुर्ज खलीफा आपके होता है बिल्कुल बैक साइड पे और आप सामने कर रहे होते हो स्विमिंग, तो वहाँ से अलग ही व्यू हमेशा आता है। तो चलो बाय द वे करते हैं लोग के साथ बिना किसी तरीके, लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, हम व्लॉग्स बैक हियर। सो गाइस आजकल हो गया डिजिटल गोल्ड के अंदर खरीदना बेचना बहुत ज़्यादा आसान एंड यू कैन डू दिस बाय यूजिंग अदर अपस्टॉक्स गोल्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे आप कर सकते हो डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट। बहुत ज़्यादा आसान है एंड यहाँ पे यू गाइस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इन जस्ट ₹1। एंड गाइस मोर ओवर यू कैन बाय 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड हेयर एट लाइव मार्केट प्राइसेज एंड यहाँ पे आपको मिलता है 24/7 का कन्वीनियंस। एंड ऑल्सो भाई आप बात करोगे सेफ्टी की, तो यहाँ पे इनके पास है 100% सिक्योर गोल्ड, जहाँ पे आपका जो गोल्ड है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। ऑन अपस्टॉक्स गोल्ड एप्लीकेशन यू कैन बाय और सेल योर डिजिटल गोल्ड ओवर हेयर एट लाइव मार्केट प्राइसेज एंड मोर यू कैन डू दिस एनीवेयर एनी टाइम। एंड गाइस यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करनी है, आपके मेकिंग चार्जेस लाइक 5 to 8% के, आपको जैसे यहाँ पे पे करना होगा 3% GST, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड गाइस सून दे आर गोइंग टू स्टार्ट द होम डिलीवरी एज वेल। यहाँ पे तो आपको अकाउंट है वो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन इफ यू साइन अप यूजिंग माई लिंक, जो कि आपको मिल जाएगा बिल्कुल टॉप पे नीचे इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उससे आपको मिल जाएगा 51 रुपीज का ई गोल्ड आपके अकाउंट के अंदर। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग डिजिटल गोल्ड राइट नाउ एंड करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। यार पानी को ना लगभग हो चुके हैं 6 से 7 दिन, अब मेरा मन नहीं मान रहा है इसमें जाने का, तो आई थिंक पानी को ना करते हैं डिस्कार्ड। और डिस्कार्ड को करना कैसे है वो भी मेरे को सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आपको कोई चीज़ तो नहीं है, जो बकेट ऐसा करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, तो हमको दोबारा भरना भी है, पता नहीं अब कैसे होगा। अब मेरा मन नहीं करा पानी लेने का, तो भाई पानी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है और थोड़े कीड़े वगैरह भी थे सारे। चलो मैं छल्ली से निकाल तो दिया, बट फिर भी यार होता ना दिल नहीं मान रहा, ये सीन है। तो भी जो क्लोरीन डाली चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो खाली करना एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। अब अभी जो अंकल है वो आ रहे हैं, उनसे पूछना हूँ खाली कैसे करना है। तो इफ़ यू हैव वॉच यस्टरडे इस व्लॉग आपने देखा होगा कि भाई जो मेरा पूरा iMac वगैरह सेटअप है उसको मैंने कर दिया यहाँ पे, जहाँ की जो साइड टेबल थी वो आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है कि जो दरवाज़ा है ना उस पर यहाँ पे निशान आ रहे हैं, ये से खुलता है तो ये हो जाता है अपने आप पीछे और ये इसको लग जाती है, तो यहाँ पे भी इस टेबल पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं। गाइज यहाँ पे आ चुके हैं अंकल, कैसे हो? बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो अंकल ने ना पहले से दिमाग लगा रखा था कि पानी कैसे निकालना है, क्योंकि अंकल मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा पानी में बिल्कुल, इसमें थोड़ी इंसेक्ट वगैरह मरे हुए थे आज। तो अभी क्या सीन है कि अंकल जो पाइप का एक सिरा है वो डाल देंगे पानी के अंदर, एक सिरा अंकल ब्लो कर देंगे, फिर नीचे छोड़ देंगे और पानी ऐसे खाली हो जाएगा लगभग 1 घंटे में आराम, फिर दोबारा भर जाएगा, उसको आराम से साफ ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन हमारे पास है एक बार की। और मैं इतनी बड़ी टेंशन में था ना कि पानी खाली कैसे होगा, तो भाई बाल्टी वगैरह भरनी पड़ेंगी, बट अंकल आए बोले भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, और मैंने बोला ठीक है भाई कर दो पूरा। चलो अब इसको थोड़ा अंकल जुगाड़ लगाओ, कल इसमें दोबारा स्विमिंग करनी है, पानी वानी भरना है दोबारा से। A few moments later. भाई जुगाड़ की अगर बात हो रही थी यहाँ पे एक और जुगाड़ हो गया अब। अभी जो निशान आ रहे थे ना आप देखना, इसको अगर ऐसे मारता हूँ वैसे नहीं अंकल आ सकता है, क्यों हटो अभी इतना टाइट है नहीं, अरे हटो देखो अंकल कहीं ये फट सकता है अभी भी ना, थोड़ा बहुत देखो है, मतलब ही नहीं। 2 hours later. भाई जो पानी है ना वो आधे से भी नीचे आ गया है, आपको कैमरे में थोड़ा लग रहा होगा, 2 घंटे लगे बट ठीक है नीचे आ गया बहुत ज़्यादा। ये देखो अब अंकल का जो आइडिया है ना बहुत तगड़ा काम कर गया, और इसमें कल हम पानी भरेंगे, उसको पहले अच्छे से साफ करेंगे, फिर इसमें कल पानी भर देंगे। और भी मैंने किया था खाना ऑर्डर, तो खाना है वो भी आज आपको दिखाता हूँ मैंने खाने में क्या ऑर्डर करा। तो भाई ये किचन है और यहाँ पे ममा ने ना अभी टब लगा दिया है, टब एज इन की जितनी भी हरी होंगी ना प्लेट, जैसी मैं खाना खा लूँगा जो प्लेट हमको डालनी है इसके अंदर। और खाने में आज है गोभी दाल पनीर, साथ में दही सैलेड, और मेरा अपना खाना ले लिया है, बाकी जो पापा मैं वो ले लेंगे अपना, साथ में मैंने मंगवाया है नान। और लगभग मैं हफ्ते में 2-3 बार तो खाना खाता ही खाता हूँ ये वाला, और नहीं तो मैं खाता हूँ पिज़्ज़ा वगैरह। अभी जो मेरा जिम डाइट है मैं फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जिस बिकॉज ऐसे जो जिम है वो खुल जाएंगे फिर मैं जो जिम में ज्वाइन कर लूँगा दोबारा से। एंड मेरे को अब तक बोला है गोपाल भैया ने भी कि घर पर आराम से खा, क्योंकि भाई जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं खा रहा हूँ ये। एंड वंस द जिम इज़ ओपन भाई मेरे को करनी पड़ेगी पूरी जिम की डाइट फॉलो, लाइक सुबह उठते ही ओट्स वगैरह, और रात को भी मतलब ज़्यादा कोई हैवी मील नहीं खाना होगा, सिर्फ ब्राउन ब्रेड सैंडविच वगैरह, तो यही खा सकूंगा मैं तब तक के लिए। मौज है, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी करते हैं छोटा सा Q&A मेरे इसी और ब्लॉग के अंदर। तो भी आ रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी कि मेरे को बड़े क्वेश्चन वगैरह पूछ लो आप। तो अभी इसको जल्दी से यहाँ से डन एंड स्टोरी जो है डल गई। तो गाइस मेक श्योर यू फॉलो मी इंस्टाग्राम, क्योंकि हमेशा मैं इंस्टाग्राम पे आता रहता हूँ, लाइव आप सब लोगों से करता रहता हूँ, पे इंटरेक्ट डालता रहता हूँ स्टोरीज वगैरह की यहाँ पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो आप में से वहाँ पे हमेशा रहोगे मेरे से अपडेटेड कि व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ एक्जैक्टली। तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो मी इंस्टाग्राम, आईडी विल बी ऑन स्क्रीन। तो थोड़ी बहुत वेट करते हैं आधा घंटा और वेट करते हैं थोड़े अच्छे से सवाल आने की। 2 hours later. देखो अभी क्या हुआ है कि एक्जैक्टली वो हो चुकी है स्टोरी 2 घंटे, ये रही वो वाली स्टोरी। और मेरे को आप लोगों ने देखो दिखाता हूँ कितने सवाल पूछे हैं, देखते रहो। इसको मैं करी जा रहा हूँ नीचे, करी जा रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने मेरे से इसके अंदर 1000+ क्वेश्चन मेरे को आपने पूछे हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। आई वंडर अगर ये जो स्टोरी है वो रहेगी 24 घंटों के लिए, तो मतलब कितने क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। बट मैंने इसमें से कर लिए 5 क्वेश्चन फाइनलाइज शॉर्टलिस्ट कर लिए। तो इन सबको मैं करने जा रहा हूँ अभी आंसर, क्योंकि भाई 1000 क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पूछा शुभम.519 ने, मेरे को उन्होंने पूछा है वॉट अबाउट थार थिंकिंग और कैंसिलिंग। तो पहली बात मेरे को कॉल आया नहीं है जिससे मैंने गाड़ी बुक करवाई थी इन दस्ता ऑटोमोबाइल से। एंड मेरे को उन्होंने कहा था जो वेटिंग टाइम है गाड़ी का लगभग वो है 5 से 6 महीने। और नवंबर मैंने गाड़ी बुक करवाई थी, अभी तक मेरे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया। और आई थिंक उसको मैं करूँगा कैंसिल ही, क्योंकि जब मैंने गाड़ी थार बुक करवाई थी मेरा कोई प्लान नहीं था लेने का R8। मैंने डेली R8 तो ऑब्वियसली मेरे को मन है नहीं थार लेने का। तो अभी मेरा कोई प्लान चल रहा है कि मैं लूँ मिनी कूपर वगैरह, कि भाई जो मेरी क्लास है उसको मैं कर रहा हूँ अभी सेल आउट। एंड जो मिनी कूपर है वो एक तरह से अच्छी गाड़ी भी है और ऊपर से 2 डोर भी है, तो गाड़ी अच्छी है वाली। विच टीम डू यू सपोर्ट इन IPL? तो आई सपोर्ट डेली कैपिटल्स, मेरे को बहुत अच्छी लगती है डेली कैपिटल्स। नेक्स्ट मैंने पूछा टोटल हाउ मेनी शूज यू हैव। यार मैंने अभी तक गिने तो नहीं है, लगभग मेरे आपसे 40+ शूज तो मेरे पास होंगे। और जो 4th क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है वॉट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव। तो जो टॉयज़ है मेरे पास में वो मेरे पास बहुत सारे ओल्ड टॉयज़ हैं। एंड मेरी मम्मा के टाइम के टॉयज़ मेरे को मैंने वो भी दे रखे हैं, जो मेरे मामू के टॉयज़ हैं मेरे को मामू ने सारे वो भी दे रखे हैं। जो टॉयज़ है लगभग वो मेरे 40 ईयर्स तो पुराने होंगे आराम से। तो टॉयज़ मेरी सबसे ओल्डेस्ट चीज़ें हैं जो बस हैं। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन जो कि मेरे को पूछा है वार्नेट गोयल ने, भाई Audi R8 और Ninja H2 की मेंटेनेंस मंथली कितनी होगी। तो आज सच भाई वो होती है कॉस्ट पर सर्विस वगैरह की, बट अगर पूछते मेंटेनेंस मंथली कितनी है तो जो मेन कॉस्ट भाई वो पेट्रोल की ही होती है, जो भाई पेट्रोल लगता है मेरा लगभग वो लगता है 25 से 30 हज़ार रुपये। सो इतना लग जाता है, क्योंकि भाई जो माइलेज है ना गाड़ी की R8 की वो बहुत ज़्यादा कम है, H2 की जो माइलेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। एंड मेनली जो पेट्रोल है R8 वो लेती है हमेशा ऑक्टेन 87, और उसकी जो पेट्रोल पम्प है वो भी बहुत दूर है, उसकी मेरे को जाना पड़ता है बहुत दूर। तो मेन यही है। तो कैसे बात करते हैं 3rd क्वेश्चन के बारे में जो कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, आर यू बाइंग न्यू हायाबुसा 2021। तो एक काम करते हैं, इसका जो जवाब है ना पापा से मांगते हैं। तो चलते हैं पापा के रूम में और उनसे पूछते हैं। तो अभी आ गया हूँ पापा के पास में मैं। पापा कैसे हो? मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है रिगार्डिंग दिस। इसकी होगी बुकिंग स्टार्ट और अगले महीने शुरू हो जाएगी 60 दिनों में, और पहले 101 बंदों को मिलेगा जो उसको बुक करेंगे सीट काउल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बुक करवाएं फिर इसको? नहीं, क्यों? इसमें कलर बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं, ब्लैक आया है, वाइट आया है, वाइट रेड आया है। ये देखो एक ये वाला ब्लैक है और एक ये वाला है जो कि वो बहुत अच्छा लगा। ऐसा है जब तक इसके रिव्यूज़ नहीं आएंगे अच्छे, देखते हैं रिव्यूज़ क्या है लोगों के, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो उसको लोगे आराम से देखेंगे, अगर रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहे तो, नहीं तो पुरानी वाली तो बहुत अच्छी है, पुराने वाले के तो आपको बहुत पसंद है बूसा शुरुआत से। और बूसा पापा कह रहे हैं कि ये वाली अभी लेने का प्लान तो नहीं है, बट अगर फ्यूचर में इसके रिव्यूज अच्छे आते हैं तो लेपा ले लेंगे। तो एक ये कलर है जो कि है प्रॉपर वाइट, बट आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? रेड एंड सिल्वर। तो कब लोगे? रिव्यूज देखेंगे, तब तक अपनी H2 तो अपनी बढ़िया है ही। तो पापा का ना, पापा शुरुआत से बहुत बड़े फैन है हायाबुसा के और हार्ले डेविडसन फैट बॉय के। तो पापा इनमें से कौन सी लेना चाहते हो साल के एंड तक? दोनों। मेरा तो मन ले लेने का है डुकाटी पहले, नहीं वो तो अलग ही ब्यूटी है, इटालियन ब्यूटी। उसको ले लो और खड़ी कर दो ड्राइंग रूम के अंदर, अमेजिंग ब्यूटी है वो। मैंने जो लेनी है वो हायाबुसा और फैट बॉय। हायाबुसा ये वाली या पहले वाली धूम वाली? A few moments later. तो ये था जब पापा का कि भाई जो हायाबुसा वो लेनी है नहीं लेनी। तो पापा एक्जैक्टली पता क्या करते हैं पहले कि वो देखते हैं कि मार्केट के जो रिव्यूज़ है वो कैसे हैं बाइक के या गाड़ी के, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि जो चीज़ है वो लेनी है या नहीं लेनी है। तो पापा का तो फिलहाल अभी वो नो ही है हायाबुसा 2021 का, बाकी फ्यूचर का पता नहीं अभी क्या सीन बनता है। गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उनको पूछा तनिष ने। एंड मेरे को उन्होंने पूछा है व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम कार और ड्रीम बाइक। तो जो मेरी ड्रीम बाइक थी वो मैंने ले ली उसकी निंजा H2। जो मेरी ड्रीम कार है वो है Lamborghini Huracan EVO। एंड भाई बहुत जल्दी आप सब लोग ऐसे करते रहे सपोर्ट, तो भाई बहुत जल्दी ये लूँगा। आप सब लोग बस एक काम कर दिया करो भाई, जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दिया करो, एंड बेल जो बेल आइकन है वो दबा दिया करो, उससे भाई बहुत ज़्यादा मिलती है मोटिवेशन। एंड भाई लगभग अगले 1-1.5 साल में अपन ले लेंगे Lamborghini Huracan EVO। बस मैं भी इतना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे को सपोर्ट करते रहो, ऐसे मेरे को अभी कर रहे हो। एंड जो अपनी ड्रीम कार है वो खड़ी होगी अपने गराज में बहुत बहुत जल्दी। और आज का जो फाइनल क्वेश्चन है मेरे को पूछा वो फहद भाई ने, हाउ यू आर फीलिंग एट योर होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो पहली बात तो यार मेरे को इसकी आदत थी नहीं बिल्कुल लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर मेरे को पता लगा कि भाई जो घर में बैठना है ना वो बहुत मुश्किल टास्क है। एंड उसके बाद में यार अभी जब सब लोग बैठे हुए ना घर में वो अपने अच्छे के लिए ही बैठे हुए कि भाई पहली बात जो कोविड है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बार आप गूगल करो कोविड की कैसी सिचुएशन, उसके बाद आपको पता चलेगी भाई जो कोविड है वो कितना फैल रहा है और आप सब लोग कितने लगे हो कि भाई आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हो और कोई आपको कोई घर में दिक्कत नहीं है। तो भाई आप सब लोग ऐसे अपने घर में रहो तक जो लॉकडाउन है वो खुल ना जाए। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई बिल्कुल अगर आप घर से बाहर निकलते हो ना कुछ सामान वगैरह लेने के लिए तो बिल्कुल सब कुछ मास्क वगैरह पहन के ही निकलो कि भाई आपकी खुद की सेफ्टी है इसके अंदर। एंड आप सब लोग खुश होने चाहिए कि भाई आप सब लोग बिल्कुल सेफ हो। एंड मोरओवर गाइस यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड फ्रॉम टुडे यूजिंग द Upstox Gold application, link in description at the top, and you can start your investment journey from today। And खत्म करते हैं vlog को and make sure to follow me on Instagram, ID will be on the screen, and subscribe to my YouTube channel YPM Vlogs and click the bell icon। Till then stay safe and bye।